to build a prosperous and egalitarian Pakistan where the people of Pakistan prosper and attain their rightful place in the Committee of Nations, to build a healthy, prosperous, disciplined, educated Pakistan through the implementation of the Constitution of Pakistan by the three pillars of the state as well as the media. So this is basically a very tall order, and it is not a ye koi aasani se achieve hone wala objective nahi hai. It is all encompassing, aur inshallah isme abhi chand mahino pehle hi is process ko shuru kiya gaya hai, aur jaise jaise karma banta chala ja raha hai to isme aur log bhi shamil ho jayenge, aur inshallah ye hum achieve karenge, ye hoga. देखिए, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती. अगर आप कुछ भी करना चाहें तो कर लेते हैं. हमने पाकिस्तान ने आफ्टर ऑल अगेंस्ट ऑल ऑड्स हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल की, जबकि सारी दुनिया हमारे पीछे थी कि हम नहीं कर सकते. हमने की, हमने सारी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद अपनी आर्म फोर्सेस को इतना स्ट्रेंथन किया कि ये जो हमारी तरफ चारों तरफ से जलगार है और मुसलसल जलगार है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, इज़राइल भी है, इन्होंने हमें बहुत सालों से टारगेट किया हुआ है, और उसके बावजूद हमारी कौम की इतनी रिजिलियंस है, और एक ऐसे इदारे हैं जो खड़े हुए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को झुकने नहीं दिया. तो मुझे पूरा इस बात पर यकीन है कि हमारे में ये सलाहियत मौजूद है और हम कर सकते हैं. मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले चंद दिहाइयों में ये हमारी कंडीशन बहुत ख़राब से ख़राब तर होती चली गई है, मगर कोई वजह नहीं कि ये रिवर्स ना हो सके. आफ्टर ऑल ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद हमने जीता है, विच इज़ अ रीसेंट फिनोमेना. फिर इंडिया को भी अभी नाक चने चबवाए हैं, ये तो हम कर सकते हैं. बिल्कुल है. और ये जो आपने जो सब लसानियत और इलाकियत और इन सब की जो बेसिस की बात की है, ये तो उसी वक्त डेवलप ही होती हैं जब आपकी हुकूमत कमज़ोर हो जाती है और आप जो माशरा ख़ुद डेकेडेंट होना शुरू हो जाता है, और ये हुआ है. और जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा टाइट करते हैं तो आप सब चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं. ये तमाम मौलवी हजरात जो पाकिस्तान में इतना शोर मचाते हैं, इन्होंने तो पाकिस्तान की सख्त मुखालफत की थी जब पाकिस्तान बन रहा था, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद है, जमात इस्लामी है, हर देवबंदियों ने भी अपोज किया था, सब ये बरेलवियों ने भी अपोज किया था, नदवातुल उलमा भी अपोज किया था, कादियानी तो थे ही, बट इन सब की जो अपोजिशन थी वो उससे कहीं ज़्यादा थी कम्पेयर टू द अंग्रेज़ एंड द हिंदू एंड द सिख्स. मगर उसके बावजूद ये सब पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान में इनका वही बयानिया आज भी है, और वो पाकिस्तान को इसी तरह से नुकसान भी पहुंचाते हैं. तो इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है बाय ब्रेकिंग इनटू देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड डिस्ट्रॉइंग. अभी लेटेस्ट आपने देखा है कि किस तरीके से जब रियासत पाकिस्तान खड़ी हुई तो उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का भोंपू बंद करके MQM को तितर बितर कर दिया, और उसमें कोई कत्ल गारतगरी नहीं हुई. हो गया ना. वो एक और खादिम हुसैन कुरैशी साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, कितना गंद मचाया था, फारिग हुए या नहीं हुए. तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप अगर फैसला कर लेती है हुकूमत तो ये कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं होती. रियासत इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अगर वो करना चाहे.